दोस्तों, आज इस वीडियो में 350 वाट का एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है वो हम इस वीडियो में समझाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो को देखते रहें, हम शुरू कर रहे हैं चेक करने। तो ये सिग्नल लगाया और एक कॉमन और 4 पे स्पीकर का पॉइंट लगाया, ये कॉमन और ये 4 पे स्पीकर का पॉइंट लगाया और सीरीज में हमने ये बटन को रखा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सीरीज में बल्ब हल्की सी ग्लो कर रहा है, तो ग्लो करनी चाहिए इतना, क्योंकि इतने बड़े 350 वाट बहुत बड़ा वाट होता है, तो इसलिए इतना बल्ब ग्लो करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल सही दिखा रहा है और आगे फंक्शन चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। दोस्तों, हम चेक कर रहे हैं, अब सीरीज को हम ऑन करेंगे। सीरीज को ऑन किया, बल्ब वहाँ पे, अब बल्ब अपना काम हो गया, सीरीज का ग्लो ख़त्म हो गया और ऑन किया हमने सेट को। प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा है सीआरओ पे। आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा ये पिक्चर आना चाहिए, तो ये आधे पे आ रहा है। तो हम देखते हैं वोल्टेज चेक करके, इसको बंद किया फिर वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें आउटपुट कम आ रहा है, तो आउटपुट पूरा लाने के लिए हम कैसे चेक करते हैं वो आप इस वीडियो में देखते रहें। कि सबसे पहले हमने सप्लाई चेक किया, तो सप्लाई हमने डीसी चेक करेंगे, तो ये डीसी पे लगा दिया। दोस्तों, यहाँ डीसी लिखा हुआ है मीटर में, तो सबसे पहले हमने डीसी यहाँ रखा, तो आपको वोल्टेज 39 वोल्ट आ रहा है, सप्लाई 39 वोल्ट आ गया और दूसरे चैनल में भी उतने ही वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ भी उतने ही वोल्ट आ रहा है। अब इस बेस पे हम चेक करेंगे बायसिंग वोल्टेज, तो 487 वोल्ट आ रहा है बायसिंग वोल्टेज, और इस तरफ दूसरी चैनल में भी 487 है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, दोनों एकदम चैनल बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बायसिंग वोल्टेज सेट है, एक पॉइंट का इधर उधर नहीं है। दोस्तों, एकदम दोनों चैनल का वोल्टेज एकदम सेम है, 84 और इधर 484 87। नहीं दोस्तों, वोल्टेज बराबर है। अब हम आईपी बोर्ड में चेक करेंगे वोल्टेज। तो दोस्तों, वीडियो देखते रहें। अब आईपी बोर्ड में हमने चेक किया, तो यहाँ आईपी बोर्ड में सप्लाई थोड़ी कम बन रही है, तो यहाँ पे दोस्तों बननी चाहिए, तो यहाँ कम बन रही है, 15-16 वोल्ट बन रही है, यहाँ पे भी 33 वोल्ट बनना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इस आईपी बोर्ड में दिक्कत है। अब दोस्तों, मैं ये दिक्कत कैसे दूर करूँगा आपको इस वीडियो में देखते रहें। तो मीटर से हमने चेक कर लिया, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये MFD ड्राई हो रही है, जो फिल्टर लगे हुए हैं ये 1016 लगे हुए हैं इस पे, तो ये MFD फिल्टर भी बोल सकते हैं, MFD भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डोल रहा है, हम इसको टचअप करके देखते हैं, हो सकता है ये फॉल्ट यहीं से बन रहा है। ये सोल्डर लगाया, टचअप किया, अब वोल्टेज चेक कर रहे हैं हम। दोस्तों, प्रॉपर वोल्टेज बन गया, जितना बनना चाहिए इतना, 39 वोल्ट 39 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 33 वोल्ट बनना चाहिए, वो बन रहा है। तो अब हम फिर से ग्राफ को चालू करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर, सारे टोन बंद हैं, मास्टर सिर्फ खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि मास्टर खोलने के बाद हमारी आउटपुट, आप देख सकते हैं दोस्तों, मिली वोल्ट हमने दिया 300 कुछ है मिली एम्पियर, और आउटपुट हमारा, आउटपुट हम चेक करके बता देते हैं, AC 4 ओम पे 28 वोल्ट आ रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मीटर में 27-28 वोल्ट आ रही है आउटपुट 4 ओम पे, और वही 16 ओम पे
41 वोल्ट आ रही है आउटपुट, तो हमारी आउटपुट 350 वाट का पूरे आ रहे हैं दोस्तों। ये सेट बंद था और बंद सेट को तो दोस्तों हमने आपको यहाँ 8 ओम पे भी चेक करा दिया वोल्टेज, 4 ओम पे भी चेक करा दिया, 8 ओम पे 41 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, एसी वोल्ट है, यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से मीटर से चेक करते हुए हम पूरी सेट में चेक कर लिए कहाँ कहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। जैसे ये है सप्लाई और ये है सप्लाई, ये बेस हुआ, ये मीटर हुआ और ये मीटर हुआ, ये बेस। दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना, ये सप्लाई हुआ, ये बेस हुआ, ये मीटर हुआ, ये कलेक्टर हुआ, कलेक्टर बेस मीटर, 3 पॉइंट होता है दोस्तों एम्पलीफायर में, और 3 पॉइंट को सप्लाई चेक करते हुए हमें सारे सेटों में घूम जाने हैं, इससे फॉल्ट जल्दी और जल्दी पकड़ में आ जाता है दोस्तों। दोस्तों आप वीडियो देखते रहें कि इस वीडियो में देखने से बहुत समझ में आ जाएगा रिपेयर करना। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपका पूरा आ गया, सीआरओ में देख सकते हैं, पिक्चर भी फर्स्ट क्लास आ रही है। अब हम बास टेबल चेक करेंगे, सारी टोन बंद रहेगा, बास का टोन भी बंद रहेगा। इस वीडियो को देखते रहें आप, सारी टोने बंद हैं। अब बास टेबल चेक करने जा रहे हैं हम, किस तरीके से बास टेबल चेक किया जाता है वो आप देखते रहें। इस वीडियो में सारे टोन बंद है, सिर्फ मास्टर का खुला हुआ है। तो हमने दस पे सेलेक्ट किया वॉल्यूम को, और यहाँ पे ऑसिलेटर है तो इसको बूस किया, और ये बास पे हमने घुमाया। देखो पिक्चर देख लो, यहाँ पे आउटपुट पूरा आ रहा है बास के, यहाँ देख सकते हैं बास हमारा सही तरीके से प्रॉपर काम कर रही है। तो ये दोस्तों कम कर देते हैं बास, ये कम हो गया। अब हम इसी तरीके से ट्रेवल को चेक करने हैं, तो ट्रेवल को हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं। देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बड़ा पिक्चर बन गया और यहाँ भी आउटपुट आ गया। आप देख सकते हैं आउटपुट 27-28 वोल्ट एसी आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। तो ट्रेवल बास तो दोस्तों आप चेक हो गया। अब रही माइक को हम यहाँ से चेक करेंगे 0.1 मिलीवोल्ट पे, मिलीवोल्ट थोड़ा कम रहेगा माइक पे दोस्तों। तो अब यहाँ से माइक चेक किया, पहला माइक आप देख सकते हैं पूरा माइक काम कर रहा है, साउंड सुनाकर भी हम दिखा सकते हैं दोस्तों। अभी मैं सीआरओ से चेक कर रहा हूँ, सीआरओ से चेक बहुत इजी होता है, इसलिए पहले सीआरओ से इंस्ट्रूमेंट पे चेक करके बता रहे हैं, और प्रैक्टिकली हम बताएंगे माइक से साउंड सुनाकर बताएंगे। तो ये पहला माइक हुआ, ये दूसरा माइक, और ये दोस्तों तीसरा माइक, इसी तरीके से ये चौथा माइक चेक किया हमने, और इसी तरीके से ये पांचवा माइक हम चेक किए। यहाँ पे बैंड स्विच लगी हुई है, बैंड स्विच को हम पुश किया, ये काम किया माइक, और यहाँ पे भी दोस्तों उसी तरीके से है, बैंड स्विच को पुश किया, अरे माइक के वॉल्यूम काम करेगा। और इसी तरीके से दोस्तों एक माइक और है, इसको भी हम चेक किया। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देखें कि ये फ्रंट का काम हमने इस तरीके से चेक किया, आईपी बोर्ड में हम इस तरीके से वोल्टेज चेक किया, और इसमें 5200 लगा हुआ ट्रांजिस्टर, इसको हीट सिंक में, और ये मेन ये आउटपुट है, और ये मेन ट्रांसफार्मर है, आउटपुट ये है, और फिल्टर बोर्ड ये है सप्लाई के लिए लगा हुआ, दो फिल्टर है। तो आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से ये सेट को रिपेयर किया, और हम क्लियरली साउंड भी सुना के सुनाएंगे इस वीडियो में दोस्तों। माइक चेक कर रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, साउंड सुन लो दोस्तों, हेलो वन, हेलो वन, हेलो हेलो। अब दोस्तों इसके साथ हम पेन ड्राइव लगा के साउंड को चेक करेंगे।
तो दोस्तों हम पेन ड्राइव लगा के चेक करेंगे। ये पेन ड्राइव लगाया दोस्तों और हल्का सा वॉल्यूम को बढ़ाया आवाज़ और बास उसी हिसाब से, और ट्रेबल को भी उसी हिसाब से बढ़ाया। दोस्तों साउंड देख सुन सकते हैं आप। दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखें, 350 वाट को एम्पलीफायर को हमने किस तरीके से रिपेयर किया और क्या क्या प्रॉब्लम थी उसने, उस चीज़ को भी हमने दूर किया। तो दोस्तों हमारी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें और इसी वीडियो को देखते हुए आप घर पे भी छोटे मोटे फॉल्ट कर सकते हैं दोस्तों, और हमेशा इसी वीडियो में आगे भी वीडियो देखते रहें। तो अभी छोटी सी प्रॉब्लम थी, यह फिल्टर यहाँ पे ड्राई हो रहा था, तो हमने इस फिल्टर को वोल्टेज द्वारा चेक करते हुए हमने इस फॉल्ट को पकड़ा और आपको इस वीडियो में भी दिखाया दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें दोस्तों और ऐसे आगे भी वीडियो हम दिखाते रहेंगे रिपेयर करके, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएँ। थैंक यू।